My Prime Minister has said unequivocally that this cannot be an era of war. To strive for a peaceful solution through dialogue and diplomacy, India has decided to abstain. यूनाइटेड नेशंस में भारत की स्थायी प्रतिनिधि रुचिका कंबोज ने दोस्त रूस और अमेरिका दोनों को जमकर सुना दिया। वैश्विक मंचों पर भारत की अहमियत दिनों दिन बढ़ती जा रही है। एक तरफ अमेरिका भारत से चीन विरोधी गठबंधन नाटो में शामिल होने को कह रहा है, तो वहीं दूसरी ओर रूस अपने पुराने रिश्तों का वास्ता देकर भारत का साथ मांग रहा है। दरअसल यूएन में रुचिका कंबोज से सवाल पूछा गया था कि पश्चिमी सैन्य समूह नाटो भारत पर मास्को और बीजिंग विरोधी गठबंधन में शामिल होने का दबाव डाल रहा है। इसको लेकर उन्होंने करारा जवाब देते हुए कहा कि भारत एक बड़ा देश है जो अपने दम पर खड़ा है और गौरवान्वित है, और कोई भी इस पर दबाव नहीं डाल सकता। वहीं दूसरी ओर कंबोज ने भारत के रूस और अमेरिका के संबंधों को लेकर भी साफ शब्दों में कहा कि रूस के साथ हमारे महत्वपूर्ण संबंध है, और जहां तक अमेरिका के साथ संबंधों की बात है, ये एक व्यापक रणनीतिक साझेदारी है जो कभी भी इतनी मजबूत नहीं रही है। यूक्रेन पर रूसी आक्रमण को लेकर कंबोज ने कहा कि हम शुरू से ही बहुत स्पष्ट रहे हैं, हमने एक स्वर में शांति की बात की है, हम कूटनीतिक और संवाद के पक्षधर हैं। इसके लिए हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और विदेश मंत्री एस जयशंकर दोनों पक्षों से बात कर रहे हैं। हम उन कुछ देशों में से हैं जो दोनों से बात कर रहे हैं। बता दें कि यूक्रेन युद्ध को लेकर कुछ देश अमेरिका तो कुछ देश रूस के साथ खड़े हैं, लेकिन भारत शुरू से ही युद्ध को मानवता और विकास के खिलाफ बताते हुए बातचीत से इसे सुलझाने की बात करता आया है। वहीं दूसरी ओर अमेरिका एशिया में नाटो जैसा एक समूह तैयार करने में लगा हुआ है जो आने वाले समय में चीन का सामना कर सके। एशिया में अमेरिका, भारत और जापान की घेराबंदी से चीन घबराया हुआ है। राष्ट्रपति शी जिनपिंग अब एशियाई नाटो से सामना करने के लिए ग्लोबल सिक्योरिटी इनिशिएटिव को अपना समर्थन दे रहे हैं। चीन इसके लिए एशिया के छोटे देशों पर कई दिनों से लगातार दबाव बनाने के प्रयास कर रहा है। चीन श्रीलंका और पाकिस्तान को कर्ज देकर पहले से ही बर्बाद कर चुका है, वहीं अब चीन की नज़र नेपाल पर है। गौर करने वाली बात है कि मौजूदा वक्त में भारत के लिए अमेरिका और रूस दोनों ही बड़ी अहमियत रखते हैं। ऐसे में इस वक्त भारत की जिस कूटनीति की जरूरत है वो बखूबी देखने को मिल रही है। बहरहाल हमारी ये खबर आपको कैसी लगी हमें कमेंट सेक्शन में लिख के जरूर बताइए। बाकी देश और दुनिया की अन्य बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए आज तक डिजिटल। त्योहार है चुनाव का, गहराई से सोचिएगा, जिंदाबाद जिंदाबाद के शोर से बचिएगा। करेंगे चुनाव के हर छोटे बड़े पहलू पर बात, देखिए दिन और रात क्या कहता है गुजरात, सिर्फ आज तक डिजिटल पर। सोशल मीडिया पर लिखिए #क्या कहता है गुजरात और देखिए हमारे ये शो।